वालेकुम। आज हम आप लोगों के सामने बॉयज़ जूनियर टू बॉयज़ की एक डिबेट लेके आ रहे हैं। मुकाबले का उनवान वही है कि साइंस एंड मैथ्स के सब्जेक्ट ज़्यादा अहम है या आर्ट्स और लिटरेचर ज़्यादा अहम है। आप लोग साइंस की साइड हैं, आप लोग कौन हैं? सिल्वर स्टैलियंस हैं, ओके। और आप लोग जो हैं वो आर्ट्स और लिटरेचर की साइड हैं, और आप लोग कौन हैं? पेरेग्रिन वॉरियर्स, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमें देंगे जी यहाँ से मोहम्मद भाई से। साइंस बनी नौ इंसानों के लिए अजीम नेमत है। इसने मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वही रियाजी हमारी ज़िंदगियों को मुनज़्ज़म बनाती है और अफरा तफरी से रोकती है। क्या आपको मालूम है आर्ट्स क्या है? आर्ट्स ज़िंदगी है, आर्ट्स रंग हैं, आर्ट्स हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं, आर्ट्स ज़िंदगी में नए नए ख़यालात लाते हैं। आर्टिस्ट हसास होते हैं, वो सब के बारे में सोचते हैं। मस्जिद में होने वाली अजान जिस लाउड स्पीकर के ज़रिए हमारे कानों तक पहुँचती है, वो सब साइंस की मरहून मिन्नत है। लिटरेचर यानी अदब ने हमारी ज़िंदगियों में इंकलाब परपा कर दिए हैं। लिटरेचर हमें अपनी दुनिया बनाने की इजाज़त देता है। लिटरेचर हमारे अंदर खुद एतमाद पैदा करता है। लिटरेचर ही के ज़रिए हम अपने बातें कर सकते हैं। क़ुरान भी तो एक हसीन लिटरेचर है जिसने इंसानों को इंसानियत की मेराज दी है। तख्लीक हो या किसी दूर दराज सितारे की दूरी जानना, कायनात की तख्लीक हो या किसी दूर दराज सितारे की दूरी जानना, इसके बारे में मालूमात साइंस और रियाजी के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अदब यानी लिटरेचर के ज़रिए हम अपने जज्बात और एहसास को बेहतर तौर पर बयान कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक शेर भी सुनाना चाहता हूँ। साहिब फ़िक्र नज़र को हम को बताती है किताब, तरक्की का रास्ता हमको दिखाती है किताब। सात समंदर पार मौजूद रिश्तेदारों की खुशी और गमी में शरीक होना साइंस की बदौलत मुमकिन नहीं है। आर्ट्स यानी फ़नून लतीफ़ा, इस आर्ट सबसे ज़्यादा आर्ट हमें हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने पर उकसाता है। वो ये नई चीज़ कैसी है और इसका ख्याल भी हमें आर्ट ही देती है। जैसे किसी चीज़ को नापने के लिए मैच हमें नापने का पैमाना देती है। इसकी ज़रूरत का सबब कोई ना कोई सोच है और इस सोच के पीछे आर्ट्स ही काम करती है। आर्ट्स हमें सिखाती है कि वो चीज़ कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, उसका रंग और उसका साइज़ कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर। आज का हमारा अनवान है साइंस की अहमियत। कोई साइंस की अहमियत से इनकार करता है तो ज़रा वो कराची में पड़ने वाली जून की गर्मी में अपना पंखा बंद करके अपनी तखलील की दुनिया में मुझे कुछ देर गुजार के बता दे। थोड़ी देर में ही कई वालों को अच्छे अलकाबात से याद किया जा रहा होगा, तो पंखा क्या है, ये भी एक साइंस है। अदब उलूम व फ़नून में नुमाया मुकाम रखता है। आज कहा जाता है कि मौजूदा दौर साइंस और नई टेक्नोलॉजी का है। आज के दौर में लिटरेचर की कोई अहमियत नहीं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अदब से दूरी माशरे में बिगाड़ का बायस बन रही है। साइंस और रियाजी का चोली दामन साथ है। हम साइंस को रियाजी से और रियाजी को साइंस से अलग नहीं कर सकते। आर्ट्स की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर साइंस की तख्लीक में से आर्ट्स को निकाल दिया जाए तो हर चीज़ महज एक चौकोर डब्बा या गेंद की शक्ल में नज़र आएगी। स्कूल से आए भूख से बेहाल बच्चे ने माँ से पूछा, अम्मी आज खाने में क्या है? अम्मी ने कहा, बेटा आज खाने में शेक्सपियर का नावल है। बच्चा बेचारा सुनते ही बेहोश हो गया।
बच्चे ने कहा है अम्मी ने आज क्या बना लिया, तो जनाब ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आएँ और अपने बच्चे को आलू गोश बना के खिलाएँ। फ़नून लतीफ़ा को फ़नून लतीफ़ा इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि ये इंसान को अपने अंदर की आवाज़ को सुनने और इसके इजहार के नए नए तरीके भी सिखाता है। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूँ। आर्ट्स और लिटरेचर आपको तखयलाती और तसव्वुराती दुनिया में ले जाती है, जबकि साइंस और मैथ्स आपको हकीकी दुनिया से रोशनास कराती है। एक जगह आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सवारी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का फासला एक क्लिक से जान लेना, ये सब साइंस की इजादात हैं। ये अदब ही है जो इंसान को आम आदमी से अशरफुल मखलूकात बनने में मदद देता है, इंसान को आम से खास बनाता है। तखयल और तस्वीर को अमली शक्ल देने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो साइंस की बदौलत मुमकिन है। मेरे कुछ सवालात हैं, आपके घर में आने वाला पानी साइंस के बगैर आ सकता है? आप नंबर इस्तेमाल किए बगैर कोई तफरीक खेल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप नंबर इस्तेमाल किए बगैर अपने काम कर सकते हैं? अगर आप उस्ताद हैं तो अपने तलबा के नंबर जमा करें या डॉक्टर मरीज़ या इंजीनियर के दवाई के मुकद्दर का अंदाज़ा मकदार का अंदाज़ा लगाएं। क्या तादाद के इस्तेमाल के बग़ैर नमाज का अहतमाम किया जा सकता है? या आप नमाज में कितना वक्त बाकी है? किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए अब आपको साइंस और मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। इसकी अहमियत से इनकार करना ऐसा ही है जैसे सूरज के सामने खड़े होकर रोज़े रोशन का इनकार। आपका ख्याल भी अच्छा था, मगर जो आपने कहा है पानी साइंस के बगैर ऊपर नहीं आ सकता, मगर ऊपर लाने की सोच किसने दी? हमारी आर्ट्स ने ही तो दी है। और मैं कंक्लूजन कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर मशीनें इंसानों के लिए हैं, इंसान मशीनों के लिए नहीं है।